नमस्कार, लल्लूराम.com में आप सभी का स्वागत है। युवा उत्सव पिछले 3 दिनों से ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है और कोशिश है कि विवेकानंद के जरिए हम युवाओं के मनोस्थिति को भी समझें। विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर आयोजित 3 दिन का ये उत्सव आज समापन सत्र है और समापन सत्र में पहला सत्र है राजनीति में युवाओं की भूमिका। तो आज इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहाँ पे आ चुके हैं, कुछ और जो है मेहमान अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। इस वक्त लल्लूराम.com के चेयरमैन नमित जैन सर भी हैं, साथ ही स्टेट कोऑर्डिनेटर, न्यूज़ कोऑर्डिनेटर संदीप अखिल जी भी हैं। तो आपका विशेष तौर पर बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप दोनों ने एक अनुमति दी कि खबरों के बीच में हम इस तरह का कोई प्रोग्राम करें, इस तरह का कोई इवेंट करें और युवाओं को अपने साथ जोड़े, क्योंकि युवाओं के जरिए जरूरी है कि वो हम समाज के एक बेहतरी के लिए काम कर सके। हमें ये पता चले कि हम जो कर रहे हैं उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो आप सब जो कि फेसबुक के जरिए पिछले 3 दिनों से हमारे इस युवा उत्सव कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप ज़रूर फेसबुक पेज पर, हमारे लल्लूराम.com के फेसबुक पेज पर जो है सुझाव दीजिए, वहाँ पे कमेंट करिए और बताइए कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, हमारी गलतियाँ क्या क्या रही है इस कार्यक्रम के दौरान। लेकिन सबसे पहले मैं अपने खास मेहमानों का अभिनंदन करवा देता हूँ और परिचय भी प्राप्त करवा देता हूँ। तो हमारे साथ है पूर्व विधायक आरंग से भाजपा नेता नवीन मार्कंडे जी, आपका बहुत अभिनंदन है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता, युवा चेहरा, युवा प्रतिनिधित्व करता संजीव शुक्ला, आपका बहुत अभिनंदन है। आप युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी हैं। हमारे साथ हैं नितिन भंसाली जी, युवा नेतृत्व करता है, आप जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मुख्य प्रवक्ता भी हैं। और हमारे साथ हैं आज विशेष रूप से विकास शर्मा, जिन्हें कि पूरा प्रदेश लघु अटल के तौर पर जानते हैं। तो लघु अटल से ही आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने चेयरमैन नमित जैन सर से कहूँगा कि आप सभी का अभिवादन करिए। हमारे जो खास मेहमान हैं यहाँ पे, नवीन मार्कंडे जी, विकास शर्मा जी, बहुत स्वागत है नवीन मार्कंडे जी का, विकास शर्मा जी का और नितिन भंसाली जी, संजीव शुक्ला जी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। दो और खास मेहमान अभी जुड़ेंगे, एक हैं प्रमोद शर्मा जो कि विधायक है, जनता कांग्रेस से बलौदा बाजार से विधायक बने हैं, पहली बार युवा विधायक हैं, वो भी आएंगे कुछ देर में। और पंकज शर्मा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, राजधानी रायपुर में वो युवा आंदोलनों के प्रतीक हैं। नमित सर, हम कार्यक्रम शुरू करने से पहले चाह रहे हैं कि एक तो हम 3 दिन का जो युवा उत्सव कार्यक्रम हम इस तरह से कर रहे हैं, पहली बार कोशिश की है हमने, तो आप हमें बताइए कि हमें और आगे क्या बेहतर करना चाहिए और इस तरह के युवा उत्सव कार्यक्रम करने से क्या मैसेज गया है समाज के भीतर, और आपको कहीं से कोई सुझाव आए होंगे तो वो भी आप साझा कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए वैभव, जैसे कि मैं सभी लोगों को कहूंगा कि युवा उत्सव हम 3 दिनों का बनाए थे, ये काफी कम समय रहा, 3 दिन अपने को, ये 6 दिन का कार्यक्रम या सप्ताह भर का कार्यक्रम करना चाहिए था हमें। जैसे अपने 3 सेशन किया, इसको आधे आधे घंटे का सेशन करके हमको और लोगों को और युवाओं को और उत्साह दिलाने का काम करना था, नए लोगों को आमंत्रित करके उनका उत्साह बढ़ाने का काम करना था। जैसे कि कार्यक्रम हम चाहते हैं कि अब साल में 2 कार्यक्रम इस तरीके हम कर सकते हैं, संदीप जी और हम सब विचार करके करेंगे इस कार्यक्रम को। और मैं कहूंगा आप लोगों की कि युवाओं का उत्साह दिन प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देख के बढ़ता जा रहा है, और फेसबुक पे जिस तरीके से लोगों का कमेंट आ रहा है कि पत्रकारिता को छोड़ के आप लोगों ने जो युवाओं का उत्साह बढ़ाया है, ऐसे ही निरंतर आप लोग बढ़ते रहिए और लल्लूराम के तरफ मतलब लोगों का जो प्रेम था और इससे बढ़ रहा है। इसी में वैभव आपको कहूंगा कि कार्यक्रम का शुरुआत करें आप। जी बहुत धन्यवाद सर, और मैं चाहता हूं कि जब विवेकानंद जी पे बातचीत हो रही है और उनके जरिए भारत, भारतीयता, एकता, समाज और युवाओं की मनोस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो चूंकि मेरे साथ जो बगल में बैठे हुए शख्स हैं विकास शर्मा जी के बारे में एक छोटा सा परिचय दे दूं। आप भी कभी छात्र राजनीति का हिस्सा रहे, अब सरकारी नौकरी में हैं, इसके साथ साथ आप बतौर पत्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन समाज के भीतर में कर ही चुके हैं। एक बहुत अच्छे वक्ता के तौर पर आप प्रदेश में पहचाने जाते हैं और ख़ास तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके अलावा आप किसी और को कॉपी नहीं करते हैं, उनकी कविताओं को उनके अंदाज में कहने के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले इस युवा उत्सव कार्यक्रम के बारे में आपकी राय, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की किसी पंक्ति के साथ आज के इस
सत्र का शुभारंभ हो तो और भी बेहतर है कि राजनीति में युवाओं की भूमिका पर बातचीत की शुरुआत कहां से की जाए। किसने ऐसा दूध पिया जो रोके गति तूफानी, किसने ऐसा दूध पिया जो रोके गति तूफानी, यह जीवन का ज्वार चली उस नाती प्रखर जवानी। युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी न हारा, एक निमिष की बात नहीं है चिर संघर्ष हमारा। साथियों, विवेकानंद एक आध्यात्मिक पुरुष हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। लगभग 100 वर्ष पूर्व जिस व्यक्तित्व का अवसान हो गया, उनके विचारों का उदय उसी के साथ हुआ था और आज तक युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रेरणा मिलती है, मुझे लगता है सुचितापूर्ण राजनीति करने वाले तमाम ऐसे राजनेता अटल जी से प्रभावित हो विवेकानंद जी से प्रभावित होते रहे। वैसे राजनीति पर अटल जी ने स्वयं एक बड़ी कटु पंक्तियां लिखी और उसी से उन्होंने एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी निकाला। बेनकाब चेहरे, दाग बड़े गहरे, टूटता तलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। पीठ पर छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फान, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन गीत नहीं गाने से बात नहीं बनेगी। विवेकानंद से प्रेरित होने वाले युवाओं का उल्लेख जब हम करते हैं तो हमें याद रखना होगा कि जो वायु की गति से चले वही युवा है। ऐसे अवसर पर जबकि lalluram.com ने एक चर्चा का विमर्श का शुभारंभ किया है, राजनीति में गोते लगाते हुए तमाम पेचीदगियों से जूझते हुए राजनीति का ककहरा पढ़ते हुए यदि कोई ऊंचाई पर पहुंचता है तो वह भी चाहता है कि एक मील का पत्थर स्थापित हो और सबका साथ लेकर के समाज को एक अच्छी ऊंचाइयां दे सके। इस अवसर पर और भी विद्वज्जन मौजूद हैं, एक पंक्ति कहकर वाणी को विराम करूंगा क्योंकि सबको मिलकर चलना है, अकेले चलने से बात नहीं बनेगी। एकला चलो करने वाले लोगों का हर्ष हम जानते हैं, वो चाहे कोई भी हो। लोकतंत्र में राजतंत्रात्मक प्रणाली नहीं चल सकती, बाधाएं आती हैं आई, गृह प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, और निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यही विवेकानंद जी की भी सीख थी और आदरणीय अटल जी ने भी 50 वर्षों के अपने राजनीतिक जीवन में समन्वयकारी जो राजनीति, सुचितापूर्ण राजनीति का जो संदेश दिया है,
आज भी राजनीतिक लोगों के लिए और विशेषकर युवाओं के लिए बड़ी प्रेरक है। मुझे लगता है इस अवसर पर उनका स्मरण करना भी, उन दोनों युवा तुर्कों के स्मरण से ही यह अवसर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैभव जी, बहुत धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आवाज़ में हम विकास शर्मा जी को सुन रहे थे और विवेकानंद जी को जानने की कोशिश कर रहे थे, राजनीति को समझने की कोशिश। हमारे साथ युवा नेता पंकज शर्मा, कांग्रेस के नेता, आप भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत अभिनंदन है आज की इस परिचर्चा में। विधायक नवीन मार्कंडे, पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी हैं। नवीन भाई, जब आप राजनीति में आए तो क्यों लगा कि इस क्षेत्र में आना चाहिए? जब आज राजनीति को बेहतर नजरिए से नहीं देखा जाता है, जहाँ पे कोई भी प्रवेश करता है तो उसमें जब नेता शब्द जुड़ जाता है तो वो लोगों के लिए गाली जैसे लगने लग जाता है, इन परिस्थितियों के बीच में जब युवा राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उनके भीतर में क्या बातें होती है, वो क्या करना चाहता है राजनीति में आके? वैभव जी, हम लोग जब प्रारंभ किए राजनीति तो हम लोग छात्र राजनीति से ही प्रारंभ किए थे। मैं तो यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर गांव में रहता था, गांव में ही पला बढ़ा, और मैं रायपुर केवल पढ़ने आया था। और उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आने के बाद जो मेरी छात्र राजनीति, छात्र जीवन जो है उस समय जब प्रारंभ हुई, तो उस समय हम लोगों को जिस तरह से स्कूल और कॉलेजेस में जो प्रारंभ किए, तो ऐसे विद्यार्थियों को जो हम देखते थे जो गांव से आते थे और उनको कहाँ फॉर्म जमा करना है, कहाँ फीस जमा करना है, किस इसमें प्रिंसिपल से कैसे मिलना है, और वो डरते थे, घबराते थे। तो ऐसे विद्यार्थियों को लेकर जब हम उनके प्रिंसिपल के पास अब काउंटरों में जाते थे और धीरे धीरे जब हम लोग ऐसे लोगों की मदद करते करते, हेल्प डेस्क लगाकर मदद करते हुए, और जब हम लोग काम करना प्रारंभ किए, तो हम लोगों को ऐसा लगने लगा कि हम लोगों के पीछे भी हमारे छोटे भाई बहन जो स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं, उन लोगों को कोई ना कोई मार्गदर्शन, कोई ना कोई सपोर्ट, सहयोग की ज़रूरत है। और इस तरह से भाव हमारे मन में आता गया और विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र हित में जो काम करने की प्रेरणा, वहाँ स्वामी विवेकानंद जी चूँकि हमारा ध्येय पुरुष है और हम लोग उसको लेकर, उनके विचारों को लेकर, उनके कार्यों को लेकर हम लोग संगठनात्मक रूप से जब काम करते थे, तो लगा कि समाज में जो अगर बदलाव, देश में बदलाव, समाज में विचारों पर बदलाव की अगर कहीं आवश्यकता है तो वो युवा ही कर सकते हैं। और युवा को नई सोच को लेकर और नए कार्यों को लेकर, नित नए कार्यों को लेकर, नित नए सोच को लेकर युवाओं के बीच, यहाँ समाज देश के बीच अगर हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज के हित में और जनता के हित में काम करते हुए एक अच्छी राजनीति को जन्म दे सकते हैं। जिस तरह से आपने, जैसे अपने शब्दों में कहें कि आज राजनीति को अच्छे नजरियों से नहीं देखा जाता, पर राजनीति गलत नहीं है। राजनीति तो एक विचारधारा है और राजनीति अपने विचारधारा पर ही चलता है, लेकिन जो चलाने वाले लोग हैं, जो उसमें शामिल होते हैं, सबमिट होते हैं, ऐसे लोगों की सोच क्या होता है, उनकी कार्य पद्धति क्या होता है, उनका वैचारिक प्रतिबद्धता क्या होता है, क्या उनने इसको साधन के रूप में लेते हैं राजनीति को, या साध्य के रूप में लेते हैं, इन बातों को इस पर गौर करना चाहिए। और इन बातों को जो व्यक्ति डिफाइन कर लिया, जो व्यक्ति इन शब्दों को लेकर जो चलेंगे, जैसे राजनीति लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र की अगर सेवा करना है तो राजनीति एक साधन हो सकता है, साध्य नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इसको हम उस लोकतंत्र की सेवा के लिए, राजनीति को हम साधन के रूप में अगर लेकर चलेंगे, तो मुझे लगता है कि हम एक बेहतर राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं और बेहतर समाज के बीच काम करने वाले लोकतंत्र के सेवक भी हो सकते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि युवाओं को इस बड़ी सोच को लेकर चलना चाहिए और अच्छे राजनीतिज्ञ के रूप में अपना स्थान बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं।
पंकज शर्मा जी, आप काफी लंबे समय से जो है राजनीति में हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि ही राजनीति की रही है, तो एक स्वाभाविक तौर पर यह भी रहा होगा कि जब घर में राजनीतिक तौर पे है तो वो परंपरागत चीज़ें कई बार हो जाती है कि हम भी राजनीति में प्रवेश कर लेते हैं। आपको क्यों और कब कैसा लगा कि नहीं, मुझे तो भी राजनीति के क्षेत्र में होना चाहिए? और दूसरी बात ये कि जब राजनीति में चले जाते हैं तो विचारों की बड़ी टकराहट होती है, जो हमारे आदर्श हैं उन आदर्शों को भी कई बार दरकिनार करना पड़ता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी की ही विचार हो गए तो कई बार वो विचार मेल नहीं खाते राजनीति में आने के बाद। महात्मा गांधी के विचार हैं, कई बार वो विचार मेल नहीं खाते राजनीति में आने के बाद। ये विचारों की जो टकराहट होती है, तब जो युवा जिस सोच के साथ राजनीति में प्रवेश कर रहा होता है, उसके बाद उसकी स्थिति क्या होती है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि एक आधार हो सकता है, पर आपको काम स्वयं करना पड़ता है। मेरी राजनीति के प्रति सोच ऐसे बनी, भारत की राजनीति में एक बदलाव तब आया जब स्वर्गीय भारत रत्न प्रधानमंत्री राजीव जी प्रधानमंत्री बने और भारत ने एक युवा प्रधानमंत्री पाया। बहुत से युवा साथी राजीव जी के प्रेरणा से राजनीति में आए, मैं भी उनमें से एक रहा हूं, और हम लोग देखते हैं कि आज का युवा समाज में योगदान भी देना चाहता है और अवसर भी चाहता है उसके लिए। आज हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या है नौजवान साथियों की जो शायद अपने परिवारों में पहली बार कॉलेज गए होंगे, तो पुराने समय की आपके समय की सोच ये हो गई है कि पहले बुजुर्गों के मार्गदर्शन में युवा चला करते थे, अब बहुत सारे लोगों के ऊपर उनके परिवारों की दशा और दिशा निर्धारित करने की जिम्मेदारी भी आ गई है। उसके साथ साथ युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान इस समाज के सुधार में और समाज के जो विसंगतियाँ थी उसको दूर करने में लगा है। जैसे मैं जातिवाद को ही लेता हूँ, आज के युवा की सोच जातिवादी ढांचों से अलग हटकर एक समाज के काम करने के लिए बन गई है। जहाँ तक बात रही आदर्शों की, तो मुझको नहीं लगता कि राजनीति में आने के बाद आपके विचारधारा में और हमारे महापुरुषों के आदर्शों में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया होगा। अगर आपका उद्देश्य सही है, अगर आपका उद्देश्य समाज सेवा है, जैसा कि नवीन जी ने बताया साधक और साधन की बात हो, वहाँ विचारधाराओं के बीच अंतर आ सकता है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य समाज के काम करने के लिए है, समाज की बेहतरी के लिए है, न केवल आप व्यक्तिवाद को लेकर अगर चलेंगे, स्वयं की राजनीति को लेकर चलेंगे, तो मैं मानता हूँ कि जरूर विचारधाराओं में एक क्रांतिकारी एक विचारधाराओं में टकराहट हो सकती है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सही हो तो इन महापुरुषों ने जो बताया आज के समाज में वही करने की आवश्यकता है, और यही युवा को आगे चलकर सोच के आगे कर चलना चाहिए, मेरी ऐसी सोच है। संदीप सर, कोई सवाल, कोई बात जिसको आगे बढ़ाया जाए? जो आज के समय में कहा जाता है कि जो प्रजातंत्र का जो प्रयोगशाला जिसको कहें, जो छात्र राजनीति जिसमें सभी लोग आते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम जो है बाहरी आवरण पर ज़्यादा आने लग गए। मतलब यदि मुझे छात्र राजनीति करनी है तो मेरे पास चार पांच उस तरीके के युवा साथी भी होने चाहिए, गाड़ी की भी आवश्यकता बढ़ गई है। तो क्या कारण है कि मानता हूँ कि ग्लैमर का जो प्रभाव सभी जगह होना चाहिए, लेकिन जो हमारी राजनीति है, जो शुरुआत जहाँ से हम करते हैं, चाहे वो छात्र राजनीति हो, चाहे युवा आगे बढ़ के राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं हम बाहरी आभामंडल से क्यों प्रभावित होते हैं? जो आज हमारे युवा साथी यहाँ पर एकत्रित हैं, उनसे एक मेरा सवाल है। बंसाली जी। देखिए, अच्छा सवाल किया है आपने अखिल जी। निश्चित तौर पर हम यदि देखें तो राजनीति में जो नए यूथ प्रवेश कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक महत्वाकांक्षा को लेकर कर रहे हैं। महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। यदि आप सपने बड़े देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप काम भी उस तरीके का बड़ा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही राजनीति में जैसा अभी आदरणीय पंकज शर्मा जी ने कहा कि मैं शुरू से जैसा इन्होंने प्रश्न किया कि राजनीति देखी, तो मैं एक विषय पर बहुत अच्छा मंच मुझे मिला है lalluram.com का, मैं बोलना चाहूँगा कि बार बार ये आरोप हमेशा युवा राजनीतिज्ञों पर लगाए जाते हैं कि यदि वो किसी मिनिस्टर के बेटे हैं या वो किसी पावरफुल व्यक्ति के बेटे हैं तो इन्हीं को क्यों अवसर दिया जा रहा है। ये सवाल बार बार उठता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन सकता है, एक लॉयर का बेटा लॉयर बन सकता है, तो एक पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकता? हाँ, बशर्ते उसमें गुण
गुण योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चीजों पे बार बार जो ये बातें होती है कि ये परिवारवाद हो रहा है इनके परिवार में, देखिए तो उसमें योग्यता भी होती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से शुरू से एक माहौल देखते आ रहा होता है। दूसरा राजनीति, ये कहा जाता है कि जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही वैभव जी ने भी कहा कि राजनीति में आना लोग अच्छा नहीं समझते। आज भी एक सामान्य परिवार के जो लोग होते हैं या बिजनेस क्लास जो लोग होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके घर के उनके बेटे या उनकी बेटियां पॉलिटिक्स में, डर्टी पॉलिटिक्स, राजनीति में गंदगी है। मैं लल्लू राम के मंच से ये साफ तौर पर कहूंगा कि राजनीति में गंदगी है, पर उतनी नहीं है जितनी फिल्मों में दिखाई जाती है। बिल्कुल, जितनी फिल्मों में दिखाई जाती है डेफिनेटली उतनी गंदगी नहीं है। फिल्मों में तो कुछ भी दिखाया जाता है। तो लोग आजकल जो ये टेलीविजन और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो एक पॉलिटिक्स के बारे में लोगों के दिल और दिमाग में जो एक गलत धारणाएं बन गई, सबसे पहले हम सबको उस गलत धारणा को दूर करना होगा। साथ ही एक युवाओं की भागीदारी पॉलिटिक्स में सुनिश्चित करनी होगी। आज का युवा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, उद्योगपति बनना चाहता है, लेकिन अगर आप अभी सर्वे करने निकलेंगे तो कोई युवा ये नहीं कहेगा कि मैं राजनीतिज्ञ या पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ। इसके पीछे भी एक दो वजह है। डॉक्टर की पढ़ाई यदि हम कहें तो 5 या 7 साल में MBBS हो जाता है, लॉयर की पढ़ाई की भी एक टाइम लिमिट होती है। इन सारे बिजनेस में भी अगर आपका बैक सपोर्ट अगर आपको बहुत अच्छा है, परिवार आपका मजबूत है, तो आप पिताजी के जमे जमाए बिजनेस में बैठ सकते हैं। लेकिन राजनीति में गैर राजनीतिक परिवार से आए हुए व्यक्ति को सर्वाइव करके सफल होना, ये एक बहुत चुनौती भरा और महत्वपूर्ण काम है। कितने वर्ष लगेंगे? मैंने तो कई ऐसे भी लोग देखे हैं जो 20-20 और 25-25 साल से राजनीति कर रहे, सरपंच लेवल तक नहीं आ पाए। कुछ तो किस्मत का भी खेल है और कुछ मेहनत का भी खेल है, कुछ आपके कामों को भी आम जनता देखती है। जैसा कि हाल ही में अभी हम छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें, आप देखिए कितने युवा इस इलेक्शन में जीत के आए हैं। बहुत अच्छी बात। एक बहुत अच्छी चीज राजनीति में ये भी है, अब युवाओं पे परिचर्चा हो रही है तो बोलना चाहूंगा कि राजनीति ही एक ऐसा फील्ड है इसमें युवा होने का कोई मापदंड नहीं है। बिल्कुल, कोई मापदंड नहीं। आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी मुझे लगता है 60 के ऊपर होंगे या 60 के आसपास होंगे, वो आज भी युवा है। 67 के देखिए अटल बिहारी जी बताए हैं, आपने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, मुझे बड़ा मजा आया आपकी, साक्षात मुझे ऐसा लगा कि अटल जी हमारे बगल में बैठे हैं, उनकी यादें ताजा हो गई। आज 60 साल के निकट नरेंद्र भाई मोदी भी युवा है, अमित भाई शाह भी युवा है, राहुल जी भी युवा है, अजीत जोगी भी युवा है। आज राजनीति में राजनीति करने वाला व्यक्ति, एक चीज बहुत अच्छी बोलूंगा आज के युवाओं को कि वो कभी बुजुर्ग नहीं होता, वो हमेशा युवा रहता है। मैं ऐसा सोचता हूं कि काम करने की ललक और कुछ अपने उद्देश्य और मकसद को जो पाना होता है जनता के लिए, एक अच्छे पॉलिटिशियन को जो काम करने होते हैं, वो उनको दिमागी तौर पे कभी बुजुर्ग होने नहीं देता, इसलिए उन्हें युवा कहा जाता है। ये एक प्लस पॉइंट है आज के युवाओं के लिए। यदि आप राजनीति ज्वाइन करते हैं तो आपको कभी बुजुर्ग कोई नहीं कहेगा, आप हमेशा युवा नेता के नाम से ही जाने जाएंगे। आप तो छात्र राजनीति से जो है आगे बढ़ रहे हैं, लगातार एक आंदोलन का एक चेहरा हो चुका है संजीव शुक्ला। बिल्कुल, संजीव शुक्ला को क्यों लगता है कि नहीं मैं राजनीति के जरिए ही समाज को कुछ बेहतर कर सकता हूं, बेहतर दे सकता हूं? आप यूपीएससी पीएससी की तैयारी में लगे हुए थे, कभी कभी आप वापस लौटने भी गए, मतलब एक वक्त ऐसा भी आया कि जब राजनीति से बिल्कुल अलग हो कि आप फिर से अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए, लेकिन फिर वापस आप सक्रिय राजनीति में। कहां पे ऐसे विचार जो हैं जो टकरा रहे हैं या मेल नहीं खा पा रहे हैं, या फिर लग रहा है कि नहीं यार ये सही जगह नहीं है, मुझे लौट जाना चाहिए, या फिर बाद में लगता है कि नहीं नहीं युवाओं को तो यहीं पे होना चाहिए? देखिए सर, पहले तो मैं lalluram.com को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज युवा दिवस पर उन लोगों ने हम लोगों को आमंत्रित किया, और यहां पर मैं समझता हूं उम्र में सबसे छोटा मैं ही हूंगा जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं। और विवेकानंद जी से एक बात जो मैंने सीखी है वो उनमें से ये भी है कि ज्यों ज्यों मैं पढ़ता हूँ, ज्यों ज्यों मैं देखता हूँ, त्यों त्यों मुझे मेरी अज्ञानता का एहसास होता है। तो आज इस मंच के माध्यम से आप विद्वानों को सुनकर के मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तो बहुत कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर अज्ञानी था, बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। दूसरी बात, राजनीति में आने का उद्देश्य केवल और केवल दो ही चीज़ें बनी। पहली तो ये कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति हमारे ऊपर शासन ना कर सके, इसलिए भी मैं राजनीति में आया कि
अगर वो योग्यता मुझ में है तो मुझसे ज़्यादा अगर कोई अयोग्य है तो वो मेरे आकर सर ना बैठ जाए। और दूसरा चीज़ जो बचपन से स्कूलों में और कहानियों में पिक्चरों में घर पे मैंने शहीद भगत सिंह जी को सुनते आया देखते आया जानते आया उनसे बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड हुआ और लगा कि आज कोई अमिताभ बच्चन के स्टाइल में कपड़े पहनना चाहता है गाना गाना चाहता है कोई किसी के स्टाइल में करना चाहता है तो चलो अपन इनको कॉपी करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब मैं NSVI का अध्यक्ष था तो मेरी कार्यशैली भी मैंने पूरी कोशिश करता था मैं कि मैं भगत सिंह जी को फॉलो कर सकूं पर मुझे पता है कि मैं उनके नाखून मात्र भी नहीं हूं। और आगे जैसे जैसे मैं राजनीति में थोड़ा सा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में मैंने देखा कि एक IAS IPS ये लोग मंत्री और मुख्यमंत्री से भी ऊपर हुआ करते थे। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ऐसे ये प्रजातंत्र लोकतंत्र में केवल नेता दिखावे मात्र के लिए हैं, इनके पास डिसीजन टेकिंग पावर्स नहीं है, सब कुछ तो ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो क्यों ना मैं पढ़ाई के माध्यम से वहाँ पर ऐसी जगह पर जाकर के डिसीजंस ले सकूं जहाँ पर सिस्टम को बदलाव किया जा सकता है, जहाँ पर बैठ करके यदि कुछ गलत हो रहा हो तो उसको सही किया जा सकता हो और ऐसे सिस्टम में बदलाव करने के लिए वही एक जगह है। पर जब वापस उस ओर देखता था तो भगत सिंह जी की जो स्मरण रहती थी चीज़ें वो वापस मुझे खींच के लाती थी। और फिर धीरे धीरे ये तय हुआ कि नहीं, इसी में रह करके अगर समाज में आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो समाज में उनके बीच में रह के करना होगा। मैं नितिन भैया की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आज हर परिवार का व्यक्ति चाहता है कि उनका बेटा डॉक्टर बने इंजीनियर बने। और मैं तो उसमें दो तीन चीज़ें और भी जोड़ना चाहता हूँ। आप जब देखेंगे सोनी चैनल में इंडियन आइडल का जब आप ऑडिशन होगा तो हजारों की लाइन लगी रहती है। मैं खुद ऑडिशन दिया हूँ, आपको बता दूं, मैं खुद ऑडिशन दिया हूं कलकत्ता में इंडियन आइडल का, तो मेरे 3 दिन बाद मेरा नंबर आया था। गाना गाते हैं? जी गाते भी हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो तीन दिन गाना भी सुनेंगे आपके आखिर में, खैर बेशक। लेकिन सवाल ये भी है ना कि फिर आप ये भी बता दीजिए कि आपके परिवार वाले क्या चाह रहे थे। मैं अपने परिवार का सबसे निकम्मा लड़का हूँ। मेरे परिवार में सभी कमाऊ पुत हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे फादर एडवोकेट हैं और मैं उन्होंने मुझे भी वकालत पढ़ाई। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अपने जो अध्यक्षीय कार्यकाल के बाद और यूथ कांग्रेस के कार्यकाल में अपने सारे केस मैं खुद ही लड़ता हूँ। खुद लड़े, ये अच्छी तो मेरे पास और कोई केस भी नहीं आता। और लेकिन बड़ी बात यह है कि आज मेरे पास 41 केस है लेकिन वो सारे के सारे मेरे खुद के हैं, मेरे NSVI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हैं। तो मुझे इस बात का गर्व भी है कि मैं लड़ भी सकता हूँ तो मैं अपनी स्वयं की भी रक्षा कर सकता हूँ, अपने लोगों की भी रक्षा कर सकता हूँ। केस की बात मत करो, नहीं तो युद्ध जुड़ेगा नहीं पॉलिटिक्स से। नहीं नहीं, मैंने इसलिए कहा कि यदि भगत सिंह जी की राह पर चलना है, अगर भगत सिंह जी की राह पर चलना है, जज्बा आपका वो है, तो फिर ये डंडा जेल ये सब आपको डरा नहीं सकती, आपको कहीं रोक नहीं सकती। इसी चीज से परिवार जो नॉन पॉलिटिकल फैमिलीज होती है वो इन्हीं चीजों से डरती है। जैसे मैंने खुद देखा है संजीव शुक्ला को बहुत लाठियां खाते हुए, आंदोलन होता है तो इन चीजों से घर वालों के एक डर बना रहता है, पुलिस वाले इनको ले जाते रहते हैं। एक सेफ साइड जब भी ऐसा कोई आंदोलन हुआ है अभी हाल फिलहाल में तो आप जरूर नजर आते हैं। संजीव शुक्ला को लाठी भी हर बार पड़ती है। हाँ, मेरे कुर्ते भी हर बार फटते हैं। वही कह रहा हूँ मैं देखिए सर, जो आगे जाने का, जब मैंने कहा ना भगत सिंह जी से जो भी इंस्पायर होगा वो लाठी जरूर खाएगा, क्योंकि तानाशाह रवैये से आपको लड़ना है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ खामियाजे भी भुगतने पड़ते हैं। तो इसके लिए बेशक मैं हमेशा तैयार भी रहता था। आज भी मेरे शरीर में लोगों के 5 उंगली होती होंगी, मेरी ये विधानसभा घेराव में फट गया था तो ये मेरे जन्म से नहीं है 6ठी उंगली, मैं छंगू नहीं हूँ, पर ये विधानसभा घेराव में जब ये फटा तो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई। तो एक ऐसी कई सारी निशानी भी मैं आजीवन अपने पास रखूंगा कि इस विपक्ष की राजनीति में और छात्र जीवन में मैंने जो संघर्ष किया तो उसका एक प्रतिसाद जो मुझे मिला वो मेरे साथ आजीवन मेरे साथ रहेगा। और मुझे यकीन है कि सर 18 साल से 40 साल तक का एक आदमी यहाँ पर युवा कहलाता
कहलाने लायक है। मैं अभी पंकज भैया की एक बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि अगर यूथ योगदान करना चाहता है तो वो अवसर भी चाहता है, लेकिन उसके अवसर में कुछ बाधाएं हैं। पहली बात, एंट्री पॉइंट नहीं मिलती। एंट्री पॉइंट ढूंढना राजनीति में बहुत मुश्किल काम। दूसरी बात कि जब तक राजनीति में, खासकर यदि मैं बात करूं, आज आप देखेंगे कि शासकीय नौकरियों में यदि बात करें, भाई साहब बैठे हुए हैं तो एक चपरासी से लेकर के एक आईएएस तक की एक एज लिमिट तय है कि आप इतने साल में रिटायर हो जाएंगे। लेकिन राजनीति में कोई, भैया कह रहे थे ना, हर आदमी युवा है, और मैं भैया से एक बात और जोड़ूंगा, राजनीति में हर कोई अंत तक भैया रहता है, सबके नाम के आगे भैया ही जुड़ता है अंत तक। ठीक है, है ना। लेकिन एज लिमिट जिस दिन होगी उस दिन अवसर मिलेंगे, वैकेंसीज खुलेंगी। यदि मैं 40 क्रॉस करूंगा तो आई हैव टू लीव। ये बढ़िया सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक तो देखिए, इस बातचीत में तीन चार चीजें निकल के आ रही है। एक तो योग्यता की बात आ रही है कि उसका पैमाना तय होना चाहिए। दूसरी बात है कि उम्र भी जो है निर्धारित हो जानी चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जब एक युवा जो किसी को आइडल की तरह देख रहा है और वो फिर आगे जाके राजनीति में चला जाता है, हमारे पास छत्तीसगढ़ के भीतर में जैसे एक आईएएस और दो आईएएस, मतलब एक तो अजीत जोगी जी आए, फिर उसके बाद ओपी चौधरी जी आए, अभी वो रिटायर्ड होने के बाद आए बतौर आईएएस जो है अजीत जोगी, ओपी चौधरी, और अभी एक यूपीएससी का टॉपर वहां पे जम्मू कश्मीर में वो भी जो है आ गए। तो ये चीजें जो होती है ये युवाओं को प्रभावित करती है क्या? मतलब बहुत सारे सवाल है कि हम जिसको सोच रहे थे, आइडल समझ रहे थे, अब वो राजनीति में चले गए। देखिए, राजनीति, मेरा ये मानना है कि जो हमारे अतिथि आए हुए हैं उनको सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक मुझे मेरे दादाजी की कविता मुझे ध्यान में है जिसमें वो कहते थे कि राज तिलक को त्याग सको तो रामचंद्र बन सकते हो, गरल पान कर सकते हो तो शिवशंकर बन सकते हो, है पुरुषार्थ तुम्हें, तुम भी अर्जुन बन सकते हो, राज तिलक को त्याग सको। लाइन ध्यान दीजिएगा, वस्तुतः क्या हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं, जरूर है अवसर मिलना ही चाहिए, लेकिन हम पद की ओर चले जा रहे हैं। हमको शुरू से लक्ष्य मान के चलते, मेरे को ये पद चाहिए, जैसे शर्मा जी हों, भंसाली जी हों, मार्कंडेय जी हों, शुक्ला जी हों, ये ऐसे लोग हैं जिनमें आगे आने वाले समय में इन पर बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, ये हम देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात का दुख भी होता है कि अच्छे लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है, लेकिन जो सवाल जो निकल के सामने आया है वो सभी हम एक एक सभी से पूछेंगे कि क्या राजनीति में प्रवेश करने के लिए ये जरूरी हो चला है कि हम किसी बड़े नेता के जन्मदिन पर बधाई देते हुए हमारी फोटो वहां लगी रहेगी तो ही हम, वही क्या रास्ता है, वही क्या मार्ग है? मैं सभी, जितने भी हमारे अतिथि आए हुए हैं, जिज्ञासावश, क्योंकि आप सभी मेरे भाई हैं, इसलिए मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ। पंकज जी, मैं सोचता हूँ युवा व्यक्ति केवल उम्र से नहीं होता, अपनी कार्यशैली से, अपनी लगन से, अपनी तत्परता से भी वो युवा कहलाया जा सकता है। जहाँ तक बात है कि अवसर मिलना, मुझको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग सफलता का पैमाना कुछ दूसरा ढूंढते हैं। अब आप मुझको देखिए, मैंने कभी आज तक राजनीति में कोई ऐसे लक्ष्य को अपने आप सामने नहीं रखा कि मुझको ये बनना है, मुझको बनना। मैंने समाज सेवा को ही अपना उद्देश्य माना और उसी पर चलते हुए संगठन के लिए काम किया, अपनी पार्टी के लिए काम किया। देखिए, मैं नहीं मानता कि अगर आपको राजनीति में अवसर चाहिए तो आपको किसी नेता का फोटो लगाना पड़ेगा। कोई नेता ये नहीं कहता कि मेरा फोटो लगाओ, व्यक्ति स्वयं लगाता है, अपनी ललक से लगाता है, अपने आदर्श को लेकर लगाता है। लेकिन राजनीति में अवसर मिलते हैं, कई हमारे साथी हैं जो आंदोलन के माध्यम से राजनीति में आते हैं, कई हमारे साथी हैं जो बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजनीति में आते हैं, कई हमारे साथी हैं जो व्यवसाय में ऊंची ऊंचाइयों को पाने के बाद राजनीति में आते हैं। तो अवसर सबको मिलते हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि राज तिलक की अगर परवाह ना करें तो रामचंद्र जरूर बनेंगे। मुझको ऐसा लगता है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करना, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए उस पर, न केवल पदों के लिए राजनीति करना, लेकिन समाज के सुधार के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, राजनीति में जो आज दशा और दिशा को बेहतर करने के लिए भी हमारे लक्ष्य होने चाहिए, वो महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, आप क्या कह रहे हैं भाई? देखिए, राजनीति में आने के लिए किसी की सहारे की जरूरत नहीं होती, लेकिन
राजनीति में लोग अपनी किस सोच को लेकर आ रहे हैं, कैसा काम करना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहा है और वो केवल फ्लैक्स पोस्टर या अन्य चीज़ों से ही ऐसे अपने आप को राजनीतिज्ञ बताना चाह रहा है, तो ज़रूर वो किसी न किसी के सहारा लेकर उनके आड़ में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन यदि जिनके ध्येय है, जिनका लक्ष्य है, जिनका निर्धारण है, अगर वो लोकतंत्र के माध्यम से और उनको इसी क्षेत्र पे अपनी सेवाएं देनी है, तो वो उस क्षेत्र को चुनकर उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो बाधाएं तो जरूर आती है कि राजनीति में एक पेशेंस, संयम की ज़रूरतें रहती हैं, इंतज़ार करना रहता है। देखिए, दो प्रकार की सेवा होता है राजनीति में भी। पहला तो एक कि आपके विचारधारा और संगठनात्मक गतिविधियों के माध्यम से आप लोकतंत्र में अपनी एक सेवा देते हैं, और दूसरा चुनावी राजनीति जो होती है लोकतंत्र में संघीय व्यवस्था में शामिल होकर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। तो ऐसे दो प्रकार की होती है, और कहीं ना कहीं एक प्रकाश पुंज राजनीति, एक मैं मानता हूं ऐसा कि राजनीति एक प्रकाश पुंज है, और जहां जहां तक उनकी किरणें जाती हैं, जो व्यक्ति उस किरणों को ऐसा सोचते हैं कि ये किरण मुझे रास्ता दिखा रहा है, तो वो अच्छे कार्य करने के लिए उस रास्ते पर निकल जाता है। नहीं तो कई लोग उसी प्रकाश को दूसरे किसी सिस्टम पर लाकर उसकी दुरुपयोग करना चाहते हैं, तो उसका ध्येय वही हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं जो राजनीति में जो विषमता की जो राजनीति होती है, तो वो राजनीति की ओर वो चले जाते हैं। तो इस तरह से सोच और कार्य पद्धति ही व्यक्ति को राजनीति में डिफरेंट बनाता है, और एक अच्छे ध्येय को लेकर जो व्यक्ति चलता है वो अपने स्थान बराबर अच्छी बनाते हैं, और जो प्रेरणा पुरुष होते हैं। और जो व्यक्ति जो राजनीति को गलत तरीके से उसका प्रयोग करना चाहता है, वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल समाज के बीच या तो फिर वो अपनी अस्तित्व खो देंगे, या तो फिर अपने आप को कहीं कुंठित महसूस करते हुए इस व्यवस्था से वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से राजनीति को लोग अपनी दृष्टि से सोचकर आगे बढ़ेंगे या काम करेंगे, तो वही राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। और किसी की सपोर्ट, सहयोग की जरूरत तो खैर पड़ता ही है, लेकिन उसके ऊपर हम आश्रित ना हो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। कि जैसे गुरु है, हम जब शिक्षा लेते हैं तो हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो गुरु हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, पर उस तरह से हम गुरु को अपना जो गुण बताए हैं उसको हम लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो बराबर बढ़ेंगे, और नहीं तो फिर मुझे लगता है कि राजनीति में लोग अस्तित्व जल्दी खो देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं आऊँगा आपके पास नितिन जी और संजीव जी, लेकिन उससे पहले हम विकास शर्मा जी को और कुछ सुन लेते हैं, उसे सुनना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले सवाल आपसे ही है कि आप जब छात्र राजनीति में थे तो कहाँ फिर सरकारी नौकरी में आ गए? देखिए, सब सारे लोग जो है राजनेता में, पत्रकारिता में चले गए। विकास जी और हम लोग एक साथ कभी राजनीति करते थे, छात्र राजनीति। देखो, विधायक बन गए आप भी जो है। देखिए, दो बातें बहुत सही में, जब एक विषय को लेकर जब कोई चर्चा करते तो अलग अलग पहलू निकल के आते हैं। महत्वाकांक्षा की मोतियां निष्ठुरता की सीपियों में ही पलती हैं। तो महत्वाकांक्षा क्या है, अब ये देखना होगा। महत्वाकांक्षा क्या राजनीति हमारे लिए करियर है? असल में दिक्कत ये है, संजीव भाई ने एक विषय रखा है कि भाई शासकीय सेवा में आने के लिए समय और सीमा सब निर्धारित है, मापदंड निर्धारित है। असल में राजनीति मूलतः समाज के लिए अपना एक नेतृत्व देना, नेतृत्व करता निखर के सामने आता था। संयोग से आज उसमें पैसा है, पावर है और ग्लैमर है, तो हम उसको करियर समझने लगे हैं। लेकिन अब ये ऐसा सोच लेना बुरा भी नहीं है। और निष्ठुरता की बात यह है, जिस निष्ठुरता का आशय मेरा यह है कि हम उस निष्ठुरता से अपने जितने आराम हैं, जितने पारिवारिक भी जिम्मेदारियां, उन सब को त्याग करके समाज सेवा में आते हैं। ये समाज सेवा है मूलतः, क्योंकि आपने अगर ये छठी उंगलियां जो उसमें
बना ली, कहीं ना कहीं लाठी खाते हुए बनाई है। यानी उस समय आपके मन में ये नहीं था कि मुझे राजनीति में कुछ पद पाना है इसलिए हाथ लगा दूं और मार खा जाऊं। आप एक विषय को लेकर लड़ रहे थे, असल में यही विषय को लेकर के जब लड़ते लड़ते लोग आगे चले जाते हैं, उसमें संगठनात्मक क्षमता बढ़ती है और वो एक पहचान बन जाते हैं। कल परसों ही मैं पढ़ रहा था, अभी वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी बता रहे थे कि कैसे वो राजनीति में आ गए, कि लोगों का प्रतिवेदन लेके जाते थे, लोगों की बात, चूंकि पढ़े लिखे व्यक्ति थे तो लोगों का नेतृत्व करना वह नेतृत्वकर्ता बनाता है। और वो नेतृत्व करते करते आप एक समूह में आगे बढ़ते चले गए। और असल में होता यह है, जब आप किसी इस मोती को जब पा जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, अमिताभ बच्चन जब विफल हुए तो किसी ने चर्चा नहीं की और सैकड़ों लोग, राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है तो लोग चर्चा करते हैं, फूलभाषण भाई को जब पद्मश्री मिलता है तो लोग चर्चा करते हैं, सफल लोगों की चर्चा होती है। लेकिन ऐसा नहीं, लोग उसमें संघर्ष नहीं कर रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं, कितने लोग फिल्मों में आके विफल भी हो रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र में बहुत से लोग लगे रहते हैं। अब मेरा जहां तक संदर्भ है, सबको ऐसा लगता है कि हम अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपना काम कर सकते हैं। राजनीतिक युवा, जब हम युवा थे तो राजनीति को लेकर के हमारी एक सोच थी निश्चित ही, आज भी उस सोच में कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी अपनी क्षमता की बात है कि हम कितनी देर तक किसी क्षेत्र में सस्टेन कर सकते हैं। और हमारी क्षमता, चूंकि ऐसा लगा कि हम उस क्षेत्र में नहीं जा सकते, दूसरा प्रतिक्रियावादी होने की एक जो आदत थी, इसलिए बाद में पत्रकारिता में भी रहे, व्यवस्था के विरोध में बोल देने की जो प्रवृत्ति थी। और ऐसा नहीं है कि हम शासकीय सेवा में रह करके मर्यादित तो होते हैं, लेकिन हम वहां पर भी आखिरकार हम किसके लिए सरकार में हैं, लोगों के लिए सरकार में है, अलग अलग माध्यम है, एक शासक है, एक प्रशासक है, और हम प्यादे हैं, हम उस फील्ड में लगे हुए लोग हैं जो लोगों के लिए काम करना है, तो वह भी एक माध्यम है। शासकीय सेवा में रह करके भी अच्छा काम करते हैं लोग, अच्छी ऊंचाइयों को पाते हैं, बस यह है कि इसका दायरा थोड़ा सीमित हो सकता है, लेकिन अलग अलग सेवा का माध्यम हो सकता है, अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं। मूलतः अब इन चीजों को लेकर के हमारे नजरिए में बदलाव हो गया, एडवोकेट बनने का मतलब क्या हुआ, शिक्षक बनने का मतलब क्या हुआ, पत्रकार बनने का मतलब क्या हुआ, सब अंततः समाज के लिए जाना था, लेकिन अब सब ग्लैमर पैसा पावर में जब समाहित हो जाता है तो फिर वह करियर बन जाता है। नहीं तो इतने सारे लोग जो आईएएस में भी विफल होते हैं किसी की चर्चा नहीं होती, जो सफल होते हैं उनकी चर्चा होती है। तो संजीव जी, आप भी इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, आज नहीं कल वो पुष्प बन करके निकलेगा, वो मोतियां बन के निकलेंगे, और आप जैसे तमाम लोग होता है इंतजार करते रहते हैं, अचानक कोई मुख्यमंत्री यूं ही नहीं बन जाता है, तो ऐसे तमाम और कुछ, जैसे भाई साहब ने बताया नितिन जी ने कि अभी वो कुछ अवसर कुछ किस्मत की भी बात होती है, तो वो किस्मत की भी बात है तो जी, लेकिन इस अवसर पे पंक्तियां क्या है, फिर कुछ पंक्तियां हो जाए फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इस अवसर पर तो छात्र राजनीति से राजकीय सेवक के रूप में कैसे चले गए, देखिए वो तो बता ही दिए अटल जी की जीवन के लिए दर्शन है, हम सब के लिए मार्गदर्शक है, और यही पंक्तियां मैंने श्रद्धे अटल जी को उनके समक्ष 2009 में सुनाई थी। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। आदमी को चाहिए कि परिस्थितियों से लड़े, एक सपना टूटे तो दूसरा गढ़े, आदमी चाहे जितना भी ऊंचा उठे अपने धरातल को ना छोड़े, अंतर्यामी से मुंह ना मोड़े, धरती ही धारण करती है, कोई सरभार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने, आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं उसके मन से होती है, मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना, यही विवेकानंद जी का भी संदेश रहा है और तमाम ऐसे संत महात्माओं का प्रकारांतर में यही संदेश होता है कि क्षणभंगुर जीवन में अहंकार की ऐसी दीवार हम ना खड़ी कर लें
कि मेल मुलाकात ही कठिन होता जाए। आत्मीयता के रंग से हम रंगे और युवा जिसका उल्टा कीजिएगा तो वायु होता है, तो वायु सा निष्पक्ष और तेज गतिमान और आपके शब्दों में क्रांतिकारी अंदाज में होना चाहिए, परिवर्तनकारी होना चाहिए। व्यक्ति उम्र से नहीं विचारों से बुजुर्ग होता है और विचारों से युवा बना रहता है, इसलिए राजनीति में हर कोई युवा बना रहता है। मैं आगे की बातचीत के लिए वैभव जी को कहूँगा। नितिन भाई आए, कोई सवाल आप लोग अगर करना चाहे, नितिन जी है, संजीव भाई हैं, आप लोग भी आपस में बातचीत कर सकते हैं। एक तो बात ये कि जो कह रहे हैं हम सुचिता की बात, दरअसल हो ये रहा है कि अब बहुत दूषित और प्रदूषित सा जान पड़ती चीज़ें, चाहे वो सदन के भीतर में हो, गरिमा का ख्याल नहीं है, सड़क पे तो है ही नहीं है, सोशल मीडिया में अब ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है, युवा उसमें ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं, तो क्या युवा दिग्भ्रमित है अभी के वक्त में? युवा दिग्भ्रमित है या नहीं है ये सभी के लिए नहीं कहूँगा मैं, इसमें भी एक पैरामीटर है। वो कौन लोग हैं जो राजनीति में ऐसी चीजें कर रहे हैं? देखिए वो कौन लोग हैं ऐसा सीधे तौर पर या साफ तौर पर बोलना तो मुझे उचित नहीं लगेगा, लेकिन वो अज्ञानी है थोड़े से और उनको अभी उतना मैच्योर होने में तो नहीं, समय लगेगा। ये जो है मोबाइल है, इसमें मैं ऐसे दबाऊंगा कॉपी हो जाएगा और उसको मैं ले जाके आगे पेस्ट कर दूंगा, यही चल रहा है। पहले क्या होता था, जैसा कि अभी अटल जी ने कहा या मैं सबको सुन रहा था बताओ, वो पहले हम भाषण भी देते थे पंकज भैया, तो वो हम कहीं से पढ़ के लिख के या किसी से समझ के नहीं देते थे, खुद हमारी ड्राफ्ट हम खुद हमारी स्पीच तैयार करते हैं, मौलिक चीजों को हम मतलब रखते थे सामने। आजकल तो गूगल में जाते हैं, सर्च करते हैं कि कहाँ पर कौन पैदा हुआ, क्या इश्यूज है, बस लाइफ पूरी गूगल में ही और मोबाइल और कंप्यूटर में सीमित हो गई है। आप देखिए राजनीति राजीव गांधी भी करते थे, राजनीति माधवराव सिंधिया भी करते थे, आप पहले जाइए राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री थे, तब तो ये चीजें नहीं थी। ये चीजें आई हैं, निश्चित तौर पर सोशल मीडिया का फायदा हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नुकसान, लेकिन यदि राजनीति के उस पर अगर अपन ले, अगर किसी पॉलिटिशियन को बदनाम करना है तो बहुत आसान सा साधन है ये सोशल मीडिया। कोई भी कुछ भी आप उसके विषय में, वैसे भी पॉलिटिशियन वही आदमी सफल हो सकता है जो पीठ पीछे चार गालियां खा सके, तो युवाओं को तो लल्लू राम के माध्यम से ये संदेश भी है मेरा कि भैया यदि चार गाली खा सकते हो तो आना, क्योंकि तो हर व्यक्ति की अपेक्षा पे आप कभी खरा नहीं उतर सकते। कभी आप चाहे नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा जनादेश लाने के बाद भी देखिए होता है, आदमी हर व्यक्ति को खुश नहीं रख सकता, ये साधारण सी बात है। दूसरा, राजनीति में आपको बहुत सारी विचारधाराओं के अलग अलग लोगों को एक साथ लेकर चलना ये एक बहुत बड़ी चुनौती भरा काम होता है। परिवार में यदि चार सगे भाई हो और वो एक व्यवसाय में हो तो मुझे नहीं लगता चार या पांच साल भी वो व्यवसाय या तो चल पाए या चारों भाई या देखिए अलग हो जाते हैं। जब एक खून के रिश्ते में ये चीज होती है तो राजनीति में तो डेफिनेटली आपको इतने सारे लोगों को, अब तो इतने सारे दलों को मिलाकर महागठबंधन में राजनीति चलानी पड़ रही है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अखिल जी ने एक बैनर पोस्टर की बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं बोलना चाहूंगा उस पर। अखिल जी, एक बहुत भीड़ होती है जब कोई रैली होती है, कोई जुलूस होती है, हर लड़का ये चाहता है, नया यूथ जो पॉलिटिक्स में आता है, पॉलिटिक्स में वैसे अभी जो लोग आ रहे हैं, हम तो आइडियोलॉजी की तो बड़ी बड़ी बातें लल्लू राम में सब कर रहे हैं बैठ के कि राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, देश को बदलना चाहिए, सब बात कर रहे हैं, पर आप देखिए उस जुलूस की या उस रैली की भीड़ में यदि आप देखेंगे तो 90% बेरोजगार ही होते। दूसरा, एक तो रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, दूसरा ग्लैमर। आज सफेद कलर का उसने लिलेन का कुर्ता पहना है, उसके कुर्ते पे कलफ लगा है, वो स्कॉर्पियो या इनोवा से सफेद कलर की गाड़ी से उतर रहा है, उसके कपड़े चमक रहे हैं, ये चमक धमक वाली जो एक जो सीन क्रिएट हो गया है युवाओं के मन में, 60-70% यूथ इसी चक्कर में पॉलिटिक्स में आते ही साथ फेल हो रहे, 100 में से 10 या 12 ही सर्वाइव कर रहे हैं, आप देखेंगे तो सब नहीं कर पा रहे, ये चकाचौंध में राजनीति के ग्लैमर में बर्बाद हो रहे, तो ये एक महंगी चुनाव प्रणाली भी मैं कहूंगा दोषी है।
ये जो चुनावों में जो भले खर्चा कोई कितना भी दिखा रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आएगी या मुझे कोई डर नहीं है कि राजनीति में अगर इलेक्शन लड़ना है आपको तो आपको किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ती है। तो सामान्य वर्ग का यदि कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में आता है और वो अगर ये सोचता है कि मैं बहुत जल्दी विधायक बन जाऊंगा या सांसद बन जाऊंगा, तो उसके लिए चुनौती तो है, उसको संघर्ष तो करना पड़ेगा, कई सारे पैरामीटर से उसको निकलना पड़ेगा। तीसरी बात, मैं किस्मत को बहुत मानता हूँ पॉलिटिक्स में, बहुत ज्यादा मैं लक को भी इसमें बोलता हूँ कि देखिए आप किसी ने नहीं सोचा था, आज मैं अगर छत्तीसगढ़ के विषय में बात करूं तो क्या किसी ने यह सोचा था अजीत जोगी जी के परिवार में कि उनका पुत्र जो है 2001 में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनेगा? क्या किसी ने यह सोचा था कि रमन सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या किसी ने यह सोचा था कि भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या किसी ने यह सोचा था कि नरेंद्र मोदी देश के सर्वोच्च पद में बैठे प्रधानमंत्री बनेंगे? तो किस्मत का काम के साथ, किस्मत का खेल तो निश्चित तौर पर राजनीति में है। ठीक है संजीव भाई, चूंकि समय के साथ हमें इसे समाप्त भी करना है, तो क्या लग रहा है आगे आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी भागीदारी को जो है राजनीति में आगे बढ़ाएंगे? और दूसरी बात, अगर आपको देख के युवा प्रभावित होकर प्रेरित होकर राजनीति में आ रहे हैं तो उनके लिए क्या संदेश है? संदेश की बात है तो सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से खासकर युवाओं को तो एक ही संदेश दूंगा। अभी अखिल भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि वो बैनर पोस्टर वाला, तो उसमें दो तीन कारण है। एक तो पहला कि आज का जो युवा है वो राजनीति में आते ही साथ बहुत जल्दी आइडेंटिफिकेशन चाहता है, बहुत ही जल्दी वो चाहता है कि लोग मुझे जान जाएं। और जिस समय फ्लैक्स नहीं आया था, मुझे याद है भैया यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, भैया ग्रामीण के कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष रहे, नितिन भैया संयोजक थे अक्स के, है ना, मैं उस समय NSY में बड़ा वो छोटे स्तर पर था, तो उस समय केवल एक पहचान हुआ करती थी राजनीति में। यदि आप डेली प्रदर्शन कर रहे हैं या डेली आप लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, डेली आपका नाम पेपर के 10वें स्थान पे आता था, तो कम से कम मैं तो उसको अंडरलाइन कर लेता था। उसमें फेसबुक और कुछ भी नहीं था कि उसको आप पोस्ट कर देते कि लोग आपको देख लें, तो केवल एक माध्यम था अखबार, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इस तरह के उपकरण भी उस समय नहीं थे कि जिससे जल्दी से लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तो 10 साल 5 साल लगते थे लोगों को आइडेंटिफाइड कराने में कि आई एम इन यूथ कांग्रेस, मैं युवा मोर्चा में हूँ या मैं इन पदों पर हूँ। तो वो जो वक्त था वो सिर्फ कर्म पे डिपेंड था, आज जो वक्त है वो बहुत ही जल्दी लोगों को मतलब तत्काल प्रभाव से उनको त्वरित रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन मैं इसमें रोकथाम एक चीज पे लग सकती है, यदि दोनों ही पार्टियां, ये भी मैं याद कहूं कि सभी पार्टियां, एक्चुअली होता क्या है सर, जिस प्रकार से कंपनीज होती हैं, हम हमेशा सुनते हैं कि कॉलेज के कैंपस सिलेक्शन होते हैं, जो अच्छी पढ़ाई करते हैं वहां पर कंपनीज जाती हैं, वहां से उन लोगों को उठा करके अपने यहाँ नौकरी देती हैं, उनको बकायदा पैकेजेस देती हैं। राजनीति में इस चीज का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? आज किसी ने कभी सोचा कि छात्र संघ अध्यक्ष जो एक बार रह लिया, दूसरे बार दूसरा छात्र संघ अध्यक्ष आ गया, तो दूसरा पहला वाला छात्र संघ अध्यक्ष कर क्या रहा है, या वो पूरी कार्यकारिणी क्या कर रही है? उसके बाद ऐसी इसी प्रकार से कई छात्र संघ अध्यक्ष आए और निकल जाते हैं, कुछ रुक करके काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको मैं फिर से कहूंगा एंट्री पॉइंट। तो जिस दिन से हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे वरिष्ठ लोग एक ऐसी कैंपस सिलेक्शन के तारतम्य में हमारे छात्र नेताओं को वहां से निकालने का काम करेंगे कि अब बैनर पोस्टर से नहीं चलेगा, अब मैं जो छात्र नेता को पिछले 4 साल से देख रहा हूं, 1 साल अध्यक्षीय कार्यकाल देखा, 2 साल इसको देख रहा हूं बिना पद के संघर्ष कर रहा है, इसको मैं ब्लॉक अध्यक्ष बनाऊंगा, इसको मैं प्रदेश का अध्यक्ष बनाऊंगा, इसको मैं आगे ले जाऊंगा, इसको मैं पार्षद चुनाव में अवसर दूंगा, तब जाकर के आदमी फ्लैक्स को छोड़ करके कर्मों पर ध्यान देगा। दूसरी बात और आखिरी बात, नितिन एक कंप्लीट कर रहा हूं, आखिरी बात, आपने संदेश की बात कही, तो मैं युवाओं को, मैं पिछले जब से राजनीति में हूं, मैं पहली बार सत्ता देख रहा हूं, मैंने अपनी पूरी आधे ज्यादा जवानी विपक्ष में दे डाली, तो मैं उसी के हिसाब से मैं युवाओं को एक आखिरी संदेश दे सकता हूं कि युवाओं का जो तौर है उसी तौर में बोलिए, और यदि हुकूमत आपकी बहरी है तो जरा जोर से बोलिए, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़िए। लेकिन आपका गाना भी सुनेंगे, जाते जाते पंकज भैया, क्या संदेश है, क्या है, क्या करना चाहिए युवाओं को जो राजनीति? देखिए, आज के युवा के बारे में यही बोलना चाहूंगा, बात हुई फ्लैक्स की, पोस्टर्स की, आज का युवा योगदान के साथ साथ पहचान भी चाहता है, यही एक मूलभूत परिवर्तन आया है पहले के समय में और अब के समय में,
अवसर मिलते हैं, हमारे राहुल गांधी जी ने इंटर पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी पर भी ध्यान दिया, सारे हमारे नौजवान साथियों को अवसर मिलते हैं, पर आपके आपका ध्येय अच्छा होना चाहिए, आप में सब्र होना चाहिए और आपकी सफलता का पैमाना व्यापक होना चाहिए। राजनीति एक कैरियर नहीं है, राजनीति जनसेवा का क्षेत्र है, माध्यम है कि आप लोगों की सेवा कर सके। केवल इस ध्येय से अगर आप आए हैं कि राजनीति में आपको विधायक बनना है या सांसद बनना है या मंत्री बनना है, आपकी सोच छोटी हो जाएगी। अगर आप ये इस बात कर को लेकर के चलें कि आपको समाज में व्यापक परिवर्तन लाना है, बहुत सारे लोगों की सेवा करनी है, तो मुझको लगता है सफलता का पैमाना आपका व्यापक होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। अवसर सबको मिलते हैं, अगर आप में योग्यता हो तो आप उस अवसर को भुनाकर सफल भी होते हैं, पर आपका ध्येय अच्छा होना चाहिए, मेरा ये सोचना है। बिल्कुल ठीक है। नवीन भाई क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं राजनीति में युवाओं को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब कभी भी कोई युवा राजनीति को एक माध्यम के रूप में अपना बनाते हैं कि वो राजनीति भविष्य में करें या इस क्षेत्र में वो आए, तो मैं जरूर कहूँगा कि सबसे पहले तो कि वो राजनीति में एक लक्ष्य बनाए और लक्ष्य के साथ में राजनीति को साधन के रूप में इसका उपयोग प्रयोग करें, लोकतंत्र में साधन के रूप में और साध्य के रूप में नहीं। जिस दिन साध्य के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि ना उसका लक्ष्य ध्येय जो है वो बना रहेगा और ना ही वो बने रहेंगे। इसलिए राजनीति को साधन के रूप में ले और इस साधन के जरिए से, इस साधन के अनुसार से लोकतंत्र की सेवक के रूप में अपने आप को स्थापित करें, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। विकास भैया आप बता दीजिए कि एक तो मुझे लगता है कि इस मौके पर हमें वो दो कविताएं भी सुननी चाहिए, एक तो कि हार नहीं मानूंगा और दूसरी कविता है एक आओ मिलकर दिया जलाए, वो सार्थक है शायद इस कविताओं को। मैं एक विषय आप लोगों से और जुड़ते हुए कि राजनीति में जिस भी कठिन परिस्थिति से लोग उभर करके आगे आए, एक आम नागरिक के नाते, एक आम युवा के नाते, एक आम लोगों के विचार ऐसे होने चाहिए, जब राजनीति के किसी भी शीर्ष स्थल पर जहाँ पर वो निर्णय कर सकता है, जहाँ पर वो दिशा दे सकता है, उसकी राजनीति का मूल भाव जो है रचनात्मक होना चाहिए। और अलग अलग समय में राजनीति में, समाज में अलग अलग प्रकार की चुनौतियाँ रही हैं, तो समकालीन दौर में जो भी चुनौतियाँ हैं वहाँ पर उसका क्या नज़रिया, क्या दृष्टिकोण ऐसा हो जो उसको जो दूरगामी परिणाम देने वाला हो, तात्कालिक लाभ हानि के हिसाब से ना हो, राजनीतिक दांव पेच हो सकते हैं लेकिन उसके बावजूद एक लैंडमार्क, एक मील का पत्थर स्थापित हुआ अपने जीवन काल में कर सके, ऐसा हर हम कई सारे प्रधानमंत्रियों के उसमें अगर हम उनको याद करते हैं तो उनके कुछ खास बड़ी चीज़ों के लिए याद करते हैं, किसी को कंप्यूटर क्रांति के लिए, किसी को अर्थव्यवस्था की क्रांति के लिए, किसी को सड़क और संचार क्रांति के लिए, तो किसी को स्वच्छता के लिए। इस प्रकार से हम वहाँ से, जब हम सुई तक नहीं बनाते थे तब एक प्रधानमंत्री बनता है वह अलग ढंग से देश को दिशा देते, तो हर प्रधानमंत्रियों ने, हर राजनेताओं ने नीचे स्तर पर भी, यहाँ पर किसी ने सिंचाई को लेकर के, किसी ने शिक्षा को लेकर के, तो ऐसे ही आप लोग से लेकर के जो भी आएंगे वो कैसे उसको दिशा देंगे, रचनात्मक एक लैंडमार्क बनाएंगे, यह नजरिया होना चाहिए। आज के अवसर पर अटल जी की दो पंक्तियां बहुत सार्थक हैं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से आ रहा, अंतर तमकाने निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विद्रोह ने घेरा, अंतर तमका ने निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अटल जी की एक और चर्चित कविता है जो हमें सकारात्मकता से प्रेरित करती है, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती सर,
पत्थर की छाती पर उग आया नवंकुर, झरे सब पीले पास, कोयल की कोहकरात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता, टूटे हुए सपने के सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर चिटकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं छानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, गीत नया गाता हूं। तो संदीप भैया गीत गवाही लीजिए। तो जाते जाते फिर हाँ, आज की इस परिचर्चा को यहीं पे समाप्त करने से पहले एक गीत हो ही जाए, फिर संजीव भाई एक प्रतिभा ये भी है आपके, वो जान जाए सारे युवा। अच्छी बात यह है कि आप प्रतिभा को उभारने का भी काम कर रहे हैं, वरना प्रतिभा को अवसर जब तक ना मिले तब तक प्रतिभा नहीं कहलाती है। तो आप अवसर दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी बॉलीवुड का गाना नहीं गाऊंगा, पर हमारे छत्तीसगढ़ के ही मदन गुरु जी हैं, उनकी कुछ चंद लाइनें हैं जो इनके सानिध्य में हमको जो सुनने को मिलती है। फरिश्ते आके उनके जिस्म पे खुशबू लगाते हैं, फरिश्ते आके उनके जिस्म पे खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बों में जो झाड़ू लगाते हैं, फरिश्ते आके उनके जिस्म पे खुशबू लगाते हैं। आखिरी पंक्ति है, दिलों का हाल चेहरे से कहां मालूम होता है, दिलों का हाल चेहरे से कहां मालूम होता है, यूं पेशानी पे तो चंदन सभी साधु लगाते हैं, फरिश्ते आके उनके जिस्म पे खुशबू लगाते हैं, वो बच्चे रेल के डिब्बों में जो झाड़ू लगाते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और बहुत बढ़िया ये परिचर्चा हुई। हालांकि बातचीत अधूरी रह सकती है क्योंकि घंटे भर में ये बातचीत की नहीं जा सकती युवाओं की भागीदारी पर, क्योंकि युवाओं की भागीदारी राजनीति के भीतर में सुनिश्चित कैसे की जानी चाहिए, इस पर वाकई में काफ़ी लंबी बहस, चर्चा, विमर्श होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे ही नई राजनीति की शुरुआत हो सकती है। लेकिन आज जितनी भी बातचीत हुई होगी और जितने लोग भी हम लोग को देख रहे थे, सुन रहे थे, उन तक ये बातें भी गई होगी, और ख़ास तौर पर अलग अलग दलों के लोग यहाँ पर शामिल थे, तो उन तक भी ये मैसेज गया होगा कि वास्तविक में युवा जो कि राजनीति में आना चाह रहे हैं या राजनीति में हैं, वो असल में चाहते क्या हैं। कभी कभी चीज़ें ये भी होती कि पार्टी के भीतर में रह करके वो बातें दब कर रह जाती है क्योंकि पार्टी हित की बातें होती है, लेकिन असल में वो युवा जो कि पार्टी में अलग अलग दलों के साथ आ रहे हैं, वो कुछ नया सोच के आ रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो ज़रूर बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। इस उम्मीद के साथ आज इस परिचर्चा को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आगे यानी कि जो समापन सत्र है उसमें बातचीत होगी सिनेमा, समाज और युवा पर, कि कैसे सिनेमा के जरिए युवा प्रभावित होते हैं और समाज के भीतर में उनकी भूमिका है कैसे बनते और बिगड़ते रहते हैं, तो इसको लेकर के बातचीत करेंगे। तो युवा उत्सव 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आखिर सत्र सिनेमा, समाज और युवा पर है। आप कहीं मत जाइएगा, आप सभी मेहमानों का, संजीव भाई, नितिन भैया, विकास भैया, नवीन भाई, पंकज भैया और संदीप सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस बातचीत में शामिल हुए। लेकिन इंतजार करिए, चाय ब्रेक के बाद मिल रहे हैं सिनेमा, समाज और युवा विषय पर बातचीत के लिए। हमारे साथ जुड़ेंगे शॉलीवुड के बहुत सारे कलाकार, तब तक के लिए इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।